हेलो एवरीवन, इट्स मी आशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फेस वॉश जिसे मैं पिछले 6 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी पैकेजिंग हमेशा चेंज होती रहती है। तो आखिर इस फेस वॉश में ऐसा क्या है जो कि मेरे स्किन को परफेक्टली सूट करता है? तो मैं सोची कि भाई, जब इतने पुराने टाइम से मैं इस फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ तो क्यों ना इसे आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो दिस इज़ माई फेस वॉश, गार्नियर स्किन नेचुरल ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी फेस वॉश, क्लियर्स डलनेस, विटामिन सी प्लस लेमन, डीप क्लींजिंग, सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो ये फेस वॉश जो गार्नियर का है, इसमें 2-3 तरीके के फेस वॉश आते हैं। एक इतना ज़्यादा क्ले के साथ आता है ना कि वो आपके स्किन के पूरे ऑयल को खींच लेता है, तो वो मेरे स्किन पे सूट नहीं करता है। उससे दाने भी आ जाते हैं और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी लगने लगता है, तो इसलिए वो मेरे स्किन पर बिल्कुल ही नहीं जाता है। ये वाला जो फेस वॉश है, ये ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी फेस वॉश है, तो ये मेरी स्किन पर अच्छे से जाता है, मेरी स्किन को ब्राइट भी करता है और मेरी स्किन पर कोई भी दाने वाने दाग धब्बे होते हैं तो यही उस दाग धब्बों को, दाने वाने को हटाता है, रिमूव करता है। और इसमें है, पहले ये आता था यूजू लेमन एसेंस के साथ, लेकिन अब यूजू लेमन एसेंस को हटा करके विटामिन सी फेस वॉश हो गया है। डलनेस को हटाता है विटामिन सी प्लस लेमन, विटामिन सी और लेमन अब इसमें दे दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा सा हटके था इससे। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स है ये। इसका प्राइस आप लोग को पड़ेगा, ये 150 ग्राम का है, 150 ग्राम का प्राइस आप लोग को 240 रुपीज़ पड़ेगा। ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी फेस वॉश इज जेंटल डीप क्लींजिंग फोमिंग इनरिच्ड विथ विटामिन सी, इट थ्रोली क्लींजेस द फेस एंड क्लियर्स डलनेस। जेंटली मसाज इसका यूजर्स वगैरह बताया गया है। और इसमें क्या क्या दिया गया है, ग्रीनर साइंस एंड फॉर्मुलेट्स, मोर रिन्यूएबल एनर्जीज, मोर रिसाइकल एंड रिसाइकलेबल पैकेजिंग, अप्रूव्ड बाय क्रुएल्टी फ्री, और सिंस 1989 गार्नियर हैज़ बीन कमिटेड टू अ वर्ल्ड विदाउट एनिमल टेस्टिंग। मतलब कि 1989 से एनिमल पे ये टेस्ट वगैरह नहीं करते हैं और उसके बाद से इनका ये प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री हो गया। इसमें हम लोग को जो मतलब इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिलते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स में मेरे को इसमें कहीं दिखा नहीं कि पैराबिन वगैरह है इसमें, तो ऐसा मैं कुछ बोलूँगी नहीं कि इसमें पैराबिन वगैरह है, ना पैराबिन है ना ऐसे वैसे कुछ है, क्योंकि अगर पैराबिन मैं पिछले 6 साल से यूज़ करती तो मेरी स्किन का बैंड बच गया होता, बट मेरी स्किन अभी तक मेरा स्किन सही है, अच्छे से है, आप लोगों के सामने है और स्किन मेरा बिल्कुल बैंड नहीं बचा हुआ है, मतलब अच्छा चल रहा है अभी तक मेरा स्किन, चल रहा है तो चल रहा है। बाकी बहुत लोग की स्किन पे देखते हो दाग धब्बे, मतलब गड्ढे वड्ढे भी हो जाते हैं, बहुत सारे दाने वाने निकल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा फेस लगता है, बट ऊपर वाले क्रेमो क्रम से अभी तक मेरा फेस सही सलामत है। लेकिन अगर मैं पिछले 6 सालों से बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करती अपने स्किन पर, तो ऑब्वियस ही बात है यार, हमारे स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होता है तो उसे ख़राब होना ही होना है, बट इस फेस वॉश ने मेरे स्किन को बिल्कुल ख़राब नहीं किया है। और विटामिन सी हमारे स्किन को मतलब अच्छा बनाता है, विटामिन सी में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपकी स्किन को ना, स्किन के डलनेस वगैरह को दूर करता है। जब मैं इसे फेस को वॉश करती हूँ ना, तब मुझे बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। और इसका ना ये थोड़ा सा मतलब आपकी स्किन को ना लाइटन अप करता है, ये मैं बोलूँगी कि हाँ ये लाइटन अप करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी है, और आपके ना स्किन को डलनेस वगैरह से भी दूर करता है। ये भी डीप क्लींजिंग दे दिया है, पहले ये डीप क्लींजिंग नहीं हुआ करता था, पहले ये यूजू लेमन एसेंस के इससे आता था, बट उसमें डीप क्लींजिंग नहीं दिया रहता था, तो इस पर डीप क्लींजिंग था। तो मैं जब इसे ट्राई की तो मेरे लगा कि ये भी मेरे स्किन के पूरे ऑयल को खींच लेगा, लेकिन नहीं, इसका मतलब फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे ही है जो पहले वाले फेस वॉश का था। गार्नियर अपनी पैकेजिंग हमेशा चेंज करते रहता है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं भी, कि जब मैं 6 मंथ पहले, एक फेस वॉश मेरा आराम से 6-7 मंथ चल जाता है, दिन में 2 बार मैं फेस वॉश करती हूँ और इसी से करती हूँ, तो 6-7 मंथ मेरा आराम से चल जाता है। 6-7 मंथ में मैं जब भी न्यू फेस वॉश खरीदने जाती हूँ, प्राइस भी थोड़े से बढ़े होते हैं और पैकेजिंग भी जो होते हैं वो हमेशा चेंज रहते हैं, हमेशा मेरे को चेंज मिलता है, मतलब पहले वाले मैं ढूंढते रह जाती हूँ बट पहले वाला मिलता नहीं किसी भी स्टोर में, तो फिर से मेरे को न्यू पैकेजिंग लेना पड़ता है। और न्यू पैकेजिंग लेने के बाद फॉर्मूला सेम होता है, बस ऊपर का ये पैकेजिंग चेंज रहता है। इसको लेते टाइम भी मैं बहुत ज़्यादा सोची थी क्योंकि इस पर डीप क्लींजिंग लिखा हुआ है, तो मेरे को डर था कि कहीं मेरी स्किन का ऑयल वगैरह ना खींच ले, लेकिन नहीं, इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, खुशबू एग्जैक्टली वही है जैसा पहले का था, और क्रीमी क्रीम टेक्सचर में है इसका,
हमारा ये फेस वॉश, और जब इसे हम अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा फोम वगैरह ये देता है हमारे फेस पे, काफ़ी अच्छे से डीप क्लीन करता है हमारे स्किन को। 1 मिनट तक मैं फेस को वॉश करती हूँ अच्छे से, मतलब 1 मिनट तक मैं अपने फेस पर फेस वॉश लगा करके इसको अच्छे से मसाज करती हूँ, ताकि जितने भी स्किन में डेड सेल्स वगैरह हैं वो सभी हट सके और हमारे स्किन को ना मतलब फ्रेशनेस वाला लुक दे सके। क्योंकि हमारे स्किन केयर में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो फेस वॉश होता है। फेस वॉश करने में ही अगर हम लोग हर बार आहट दे देंगे तो फिर हमारा फेस मतलब क्लीन नहीं होगा, उसके बाद सेकंड प्रोसेस काम नहीं करेगा, थर्ड प्रोसेस काम नहीं करेगा। इसलिए फेस वॉश आप लोग जब भी चुनो तो बहुत सोच समझ करके चुनो कि कौन सा फेस वॉश हमें लेना चाहिए, कौन सा फेस वॉश हमें नहीं लेना चाहिए। मेकअप वगैरह लेते टाइम जब हम लोग इतना सोच लेते हैं, फेस वॉश बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ होता है आपके डेली यूजेज में, तो फेस वॉश लेते टाइम एटलीस्ट 3-4 बार आपको सोचना चाहिए कि कौन सा फेस वॉश बेस्ट होगा। तो देखो इस टाइप की कुछ पैकेजिंग है इस फेस वॉश के, ऐसे मैं क्लोज से इसको दिखा दूंगी, देख सकते हो गार्नियर ब्राइट कंप्लीट विटामिन सी फेस वॉश, यहाँ पे लिखा हुआ है डीप क्लींजिंग। तो यही देख करके ना मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग फील हो रहा था कि यार डीप क्लींजिंग है, कहीं मेरे स्किन को ख़राब वराब ना कर दे, बट नहीं, इसने मेरे स्किन को ख़राब नहीं किया और ये मेरे स्किन मतलब अच्छा बना देता है। गार्नियर फेस वॉश मैं बहुत 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 टाइम पहले से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग का अगर देखो मेरा स्किन टाइप पहले मैं बता देती हूँ, इधर का स्किन मेरा ड्राई है, इधर का स्किन मेरा ऑयली है, और पूरा फेस मेरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बट ये फेस वॉश मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। तो अगर आपका भी इस टाइप का फेस है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मेरे को ना इधर इधर में, लेकिन हाँ ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद विंटर सीजन में आपको जैसे फेस वॉश यूज़ करके अपने मुंह को धो के उसको सुखा लोगे ना, वैसे ही आपको कोल्ड क्रीम या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का ज़रूरत पड़ जाएगा। तो आप लोग कोल्ड क्रीम आप अपने स्किन के हिसाब से देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो यप, दिस इज़ अमेजिंग फॉर्मूला, मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मेरे फेस पे जा भी रहा है, और मैं जिस अपनी फ्रेंड को इस फेस वॉश को रिकमेंड की हूँ उन लोगों की स्किन पर भी ये सूट कर रहा है, तो आप भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। यार दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड, मेरे पास इसके बहुत सारे पैकेजिंग हैं क्योंकि मैं इसे बहुत लॉन्ग टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे ये पसंद है, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे फेस पे बहुत अच्छे से जाते हैं। जब मेरे फेस को अच्छे से रिपेयर कर रहा है तो भाई मैं दूसरे फेस वॉश की तरफ क्यों जाऊँ, लेकिन जब पैकिंग इसका बार बार चेंज होता है तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि यार क्या होगा, लेकिन चलो कोई नहीं। प्राइस के अकॉर्डिंग फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छे से जाता है, लेकिन गार्नियर का जो क्रीम आता है ना कंप्लीट लाइट फेयरनेस क्रीम, वो मेरी स्किन पे बिल्कुल नहीं जाता है, वो मेरी स्किन को मतलब बहुत ज़्यादा डल कर देता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा कर देता है। तो ऐसा नहीं कि अगर गार्नियर मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ तो उसका क्रीम भी मेरी स्किन पर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है। तो गार्नियर का फेस वॉश मेरे को सूट करता है और लैक्मे का क्रीम मेरे फेस पर सूट करता है। मॉइस्चराइजर मैं कभी कभी ममा अर्थ का यूज़ करती हूँ कोल्ड क्रीम, कभी कभी अपना लैक्मे का ही मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से मैं हमेशा प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, बट मेरा ऑल टाइम जो प्रोडक्ट है वो मेरा लैक्मे का डे एंड नाइट क्रीम है, गार्नियर का ये फेस वॉश है, ये मेरा ऑल टाइम प्रोडक्ट है। बीच बीच में मैं कभी कभी कुछ अलग अलग ट्राई करते रहती हूँ स्किन ग्लो वगैरह के लिए। सो यप, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज में फिर होगी हमारे, आपको मुलाकात, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।